अखिल भारतीय वाल्मीकि युवा संगठन की ओर से आज अंबेडकर नगर में विरोध प्रदर्शन किया गया। कर्मचारियों ने शहर से कचरा उठाने वाले सभी ऑटो टिपरों को खड़ा करके प्रदर्शन किया। जिलाध्यक्ष संदीप चावरिया ने बताया कि हमारी एक ही मांग है, जितने भी सफाई कर्मचारी हैं वो अपने मूल पद पर कार्य करें। नगर निगम में सफाई कर्मचारी अधिकारियों से सेटिंग कर इधर उधर काम कर रहे हैं, जबकि उनका मूल काम सफाई करने का है। 2018 की भर्ती में सफाई कर्मचारियों के रूप में भर्ती हुए और काम कर नहीं रहे, ऐसे कर्मचारियों का वो विरोध कर रहे हैं। उनकी शिकायत करने पर विभाग द्वारा 9 जनवरी को पत्र जारी कर मूल पद पर लौटने के आदेश दिए गए। जनवरी माह से वेतन रोकने के आदेश हैं, इसके बावजूद अधिकारियों की मेहरबानी के चलते कर्मचारी अपने मूल पद पर कार्य नहीं कर रहे। निगम में करीब 150 कर्मचारी हैं जो मूल पद पर कार्य नहीं कर अन्य पदों पर काम कर रहे हैं। अगर उनकी मांग नहीं मानी गई तो 1 फरवरी से सभी कच्चे कर्मचारी हड़ताल पर चले जाएंगे, जिससे शहर की सफाई व्यवस्था ठप हो जाएगी। भाई 2018 की भर्ती का ही नियम था, उस टाइम पवन अरोड़ा थे इसके डीएलबी का अध्यक्ष, उन्होंने ये आदेश दिया था और भी जगह का आदेश थे कि जितने भी सफाई कर्मचारी अपने मूल पद पर रहेंगे उनकी कोई पदोन्नति नहीं है। उसके बावजूद इनको ऑफिस में लगाया जा रहा है पैसे ले लेके अधिकारियों ने, और हमारी यही मांग है ये तो मूल पद पर जाएंगे तो हम अपने हड़ताल तोड़ना नहीं, हम हमारी हड़ताल नहीं तोड़ेंगे। जबकि मैं आपको लिखित आदेश दिखा सकता हूँ 9 तारीख का भी, इस 23 में 9 तारीख का भी दिखा सकता हूँ और 18 का भी दिखा सकता हूँ, ये अपने कार्य पर जाएंगे तो हम अपना काम करेंगे, हम हमारी हड़ताल करेंगे। क्योंकि इनसे अधिकारी पैसा खाते हैं, कच्चा अगर हमारा कर्मचारी कोई दिक्कत कर उससे कोई दिक्कत नहीं है इनको, हमें मेन कारण इनका ये अपने मूल पद पाए और हमारी यही हड़ताल है। भाई हमारी एक ही मांग है कि 2018 में जो भर्ती हुई थी उसमें क्लियर था कि जो भर्ती है सफाई पर ली जा रही है, तो जो सफाई कर्मचारी हो सफाई कर ही नहीं रहे, वो जितने भी हैं ये सफाई पे आने चाहिए और सफाई पे पद है इनका सफाई पे ही आने चाहिए, यही हमारी मेन मांग है और यही है लास्ट तक, और इसको हम और आगे बढ़ाएंगे या तो अभी हो जाए संशोधन, नहीं हम आगे तक जाएंगे।